तो आज की इस वीडियो में हमारे पास सोनी के WF-C500 ईयरबड्स हैं। हेलो एंड वेलकम आकाश, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब यू डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास सोनी के WF-C500 ईयरबड्स हैं। कुछ दिन पहले अमेजोन पे लॉन्च हुए थे। प्राइसिंग का 6,000 रुपीज़ है, 6,000 रुपीज़ पे सोनी के ये वन ऑफ द चीपेस्ट ईयरबड्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। प्राइसिंग आई थिंक 5,000 होना था बट ओवर प्राइस्ड ये रखे गए, बट स्टिल हमने ये परचेज कर लिया आप लोग के लिए। देखेंगे इस वीडियो में कि किस टाइप के ये टीरब्लस ईयरबड्स निकल के आते हैं, इस प्राइसिंग में क्या ये वन प्लस बड्स जी को बीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। तो सोनी काफ़ी नॉन ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ हेडफोन, स्मार्ट टीवीज एंड जो है स्पीकर्स एंड ऑल दैट, बट किस टाइप के ये बजट टीरब्लस हैं सोनी की ओर से, चीपेस्ट टीरब्लस बोल लीजिए, तो वो सब डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं YouTube चैनल JSTech। चलिए ये वीडियो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, बट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए। चलो भाई यहाँ पे अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं अपने ईयरबड्स की। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लाइक हमने 6,000 रुपीज़ पे किया सोनी के ईयरबड्स के लिए, एंड ये वेरी फर्स्ट टीयरबड्स हैं सोनी की ओर से जो हमने एंड हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि किसी ने अनबॉक्सिंग डाली है, बट किसी ने अनबॉक्सिंग यहाँ पे नहीं डाली है इन ईयरबड्स की। तो कट करके चेक, तो गाइज ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मेड फॉर आईफोन एंड आईपॉड। तो आई थिंक जो है नॉन एप्पल यूजर्स उनके लिए ये ईयरबड्स इतने अच्छे नहीं होने वाले, बट स्टिल हम चेक कर लेंगे। प्रोडक्ट का बॉक्स तो काफ़ी भारी भरकम यहाँ पे दिया गया है। ईयरबड्स आपको मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड जो है डेटा केबल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये सेक्शन रिमूव करेंगे देन आपको नीचे की तरफ इस सेक्शन में मिल जाएंगे आपकी पेपर वर्क। तो ये मेड इन चाइना नहीं है हेडफोन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये थोड़ा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अदर देन दैट, अगर हम यहाँ पे ईयरबड्स की लुक डिज़ाइन पे आएँ गाइस, तो ईयरबड्स आपको यहाँ पे एक डुअल टोन डिज़ाइन में मिलता है। मेरा वाला लाइक ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है। तो ऊपर आपको सोनी का नेम मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट है, एंड अगर आप इसको ओपन करेंगे देन ये आपको आपके ईयरफोन्स मिल जाएंगे। तो ईयरफोन के नीचे का वाला जो सेक्शन है वो रिमूव करता हूँ मैं, एंड मुझे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगी, लाइक अभी भी सोनी इस बजट पे आपको जो है क्लिकेबल बटन्स दे रहा है, ये काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं जब आप इनको यूज़ करें। इन टर्म्स ऑफ ईयरबड्स सेफ साइज, तो गाइज ये कम्प्लीटली इन ईयर फिटिंग के साथ आते हैं, एंड सोनी का नेम आपको मिल जाता है, माइक्रोफोन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या क्या फीचर्स मिलते हैं गाइज इस बजट पे आपको, तो आपको मिल जाएगा 10 आवर का सिंगल चार्जिंग में टाइम, लाइक 10 आवर एंड 20 आवर फुल चार्जिंग में है। 360 ऑडियो के साथ ही आते हैं, IPX4 स्प्लैश एंड वो जो है स्वेट रेजिस्टेंट है, एंड क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ये सभी चीज़ें हैं इनके साथ। ब्लूटूथ 5.1 आई गेस कनेक्टिविटी इनमें आपको मिल जाती है। अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ तो कोई भी गेम मोड नहीं है, कोई भी ANC नहीं है, एंड IPX4 है, उससे बेटर हो सकता था। तो एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस कनेक्ट करने के लिए पहले तो अपनी आपको ईयरबड्स को थोड़ा चार्ज कर लेना होगा, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं थे, चार्ज नहीं थे, एंड उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ईयरबड्स के लिए। ओके, तो इनको थोड़ा चार्ज होने देंगे, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन के साथ। तो उसके लिए आपको ये रिमूव कर लेना है केस से। केस से रिमूव करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन वगैरह आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड ईयरबड्स उसके बाद आपके कनेक्ट हो जाएंगे। एंड एक और चीज़ गाइस यहाँ पे ये मैग्नेटिक हैं, तो मैग्नेट काफ़ी पावरफुल यहाँ पे आपको मिलता है आपके सोनी के हेडफोन्स में, बट वो चीज़ लेट हुआ।
तो गाइज़ आपको कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे ये डाउनलोड करनी है, उसके बाद आप एग्री एंड स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा आपके ईयरबड्स। तो ऑलरेडी ये सी 500 जो ईयरबड्स हैं टेलीवेस हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं, एंड हम उनको सिंपली पेयर इन कर देंगे। एंड कोई भी उसके अलावा वहाँ पे दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। बट हाँ, ये स्टार्टिंग में लाइक थोड़ा सा देता है प्रॉब्लमेटिक, एंड जो है चीज़ वो सेट करने में टाइम लगता है। बट एक बार कनेक्ट होने के बाद आपको वो चीज़ बार बार नहीं देनी पड़ेगी, एंड आप अपने ईयरबड्स को बड़ा ही आराम से ऑपरेट कर पाएंगे एप्लीकेशन के द्वारा। तो इन ईयर फिटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं आपके ईयरबड्स की किस टाइप की आपको मिलती है। तो गाइज अगर यहाँ पे मैं ईयर फिटिंग की बात करूँ, ईयर फिटिंग काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मिलती है गाइज आपको। लाइक अब तक हमने मोस्टली जो ब्रांड ट्राई किए हैं वो काफ़ी बजट ईयरबड्स ट्राई किए हैं, और बजट के अलावा सैमसंग के ईयरबड्स जो है गलेक्सी सीरीज के 3 ऑलरेडी ट्राई किए, देन वन प्लस के जो बड्स G2 हैं वो ट्राई किए जो इस बजट के अराउंड आते हैं। बट ये एक प्रीमियम ब्रांड की ओर से तो फिटिंग वगैरह आपको काफ़ी प्रीमियम लगती है, एंड दिखते भी प्रीमियम है। तो उसके अलावा क्या आपको मिलता है, इवन जो केस की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, ईयरबड की मैग्नेटिक अटैचमेंट भी काफ़ी सही दी गई है। आप अगर इसको इन ईयर पुट करते हैं देन नॉइस आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो काइंड ऑफ नॉइस कैंसिलेशन की तरह आपका वर्क करेगा। बट नॉइस कैंसिलेशन स्टिल अगर होती है देन वो आपकी काफ़ी आपको एडवांटेज प्रोवाइड करती है। तो 10 mm के आई गेस यहाँ पे ड्राइवर हैं, ड्राइवर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मैं आपको एक बार साउंड टेस्ट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ किस टाइप की साउंड क्वालिटी सोनी के जो हेडफोन्स हैं WF-500 आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप ये परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ इन ईयर साउंड क्या आते हैं। तो गाइज अगर यहाँ पे इन ईयर साउंड की मैं बात करूँ तो कुछ साउंड मुझे यहाँ पे स्मूथ लगी। लाइक जो दूसरे ईयरबड्स आपको ऑफर करते हैं इस बजट पे, उनकी साउंड स्लाइटली हैवी होती है, बट इनमें मैं बोलूँ आपको तो आपको नियरली जो एक्चुअल म्यूजिक होता है, जो आप नॉर्मल फोन में सुनते हैं, तो उस टाइप की आपको वॉइस मिलेगी एंड म्यूजिक आप एंजॉय कर पाएंगे काफ़ी हद तक। तो आपको मैं साउंड एक बार टेस्ट करा देता हूँ देन। तो गाइज साउंड यहाँ पे कुल मिला के ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा काफ़ी अच्छी है। बट हाँ, मुझे जो प्रॉब्लम लगी इन हेडफोन्स में अभी तक वो ये लगी कि आपको जो साउंड है वो मिलती है लाइक स्लाइटली लो, बट एप्लीकेशन में आपको एनालाइज का ऑप्शन दिया गया, तो आपके ईयर के साथ वो सिंक करके एनालाइज कर देगी, एंड अकॉर्डिंग टू आप जो आपके ईयर हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो आपको फिट करके देगी, एंड आपको बेटर साउंड क्वालिटी इस टाइप से मिल जाएगी। तो एप्लीकेशंस में जाके आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एंड वो स्लाइटली हेल्पफुल होता है, इतना हेल्पफुल नहीं होता। अदर देन दैट जो बटन यहाँ पे दिए गए हैं वो आपके सही वर्क करते हैं, तो बटन्स वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बटन्स वगैरह जो फंक्शंस करते हैं वो आपके 99% वर्क करते हैं, मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगे बटन्स। ये फिटिंग सही है, आप रनिंग जॉगिंग वगैरह में इनको यूज़ कर सकते हैं, एंड हाँ आइसोलेशन काफ़ी हद तक वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ कॉलिंग के लिए कैसे ईयरबड्स हैं गाइज, तो कॉलिंग के लिए जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो जो ये वॉइस आपको सुनाई दे रही है ये आपको सोनी के WF-500 ईयरबड से सुनाई दे रही है, टीटलेस से सुनाई दे रही है, एंड हम उनका माइक्रोफोन। ये वॉइस आपको सुनाई दे रही है ये आपको सोनी के WF-500 ईयरबड से सुनाई दे रही है, टीटलेस से सुनाई दे रही है, एंड हम उनका माइक्रोफोन टेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी वॉइस रिकॉर्ड होगी वो इनसे रिकॉर्ड ईयरबड्स की वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं देन आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज जो मेन पर्पज़ है इन टीयरबड्स को इंडियन मार्केट में लाने का वो iOS यूजर्स के लिए, iOS के लिए बेटर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, बेटर आपको साउंड क्वालिटी एंड अदर थिंग्स मिलेंगी। बट ऐसा नहीं है कि जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो इनको यूज़ नहीं कर सकते, डेफिनेटली गाइस आप यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रीमियम ब्रांड के प्रीमियम ईयरबड्स तो सोनी के ईयरबड्स, अगर इनको मैं रेट करना चाहूँगा गाइस बैटरी लाइफ वाइज 10 out of 10, क्योंकि बैटरी लाइफ वाइज कोई भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा, चार्जिंग टाइम भी आपका काफ़ी सफिशियंट है, सिंगल टाइम में 10 घंटा अगर आपको चार्ज करने के लिए मिल रहा है
क्या उससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस है। लाइक 10 घंटा काफ़ी ज़्यादा होता है गाइज। अदर देन दैट गाइज, काफ़ी यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। साउंड क्वालिटी जस्ट ओके एज पर दिस बजट। अगर वन प्लस के परस्पेक्टिव से बोलूँ तो वन प्लस आपको ज़्यादा जो है साउंड लेवल प्रोवाइड करता है, तो वो आपकी चॉइस है, आपको वन प्लस लेने या ये लेने हैं। देन जो म्यूज़िक है वो आपको नियरली एक्चुअल सुनाई देगा, जो कि एक्चुअल म्यूज़िक है। इवन बीट्स एंड साउंड्स, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ आपको काफ़ी क्लियर सुनाई देने वाली है। देन गाइस, कंप्रोमाइज़ में आपको कोई भी यहाँ पे गेमिंग मोड नहीं मिलता, कोई भी आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं मिलता, बट इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन या आप आइसोलेशन मान लीजिए, वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता हुआ आपको मिलेगा। IPX4 है, 5 या 7 होता देन और बेटर हो सकता था। तो अगर मैं आपको ये प्रेफर करना चाहूँ तो मेरी रेटिंग क्या है 10 में से, मैं कितनी आपको प्रेफरेंस दूंगा इन ईयरबड्स की, तो वाइज 10 में से 6.5 है। ऐसा नहीं है कि परचेज ही करना चाहिए, स्टिल आपकी चॉइस है एंड जस्ट ओके एज पर प्राइसिंग। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चाहे तो परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय गाइज।